नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बुलेट ट्रेन को लेकर। बिहार में बुलेट ट्रेन का रोड मैप सामने आ गया है। अब बिहार में चलने वाली पहले बुलेट ट्रेन को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब इसका रूट सामने आ गया है। बता दें कि बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना से नहीं, बल्कि यह ट्रेन गया सासाराम से गुजरेगी। वाराणसी हावड़ा के बीच बिहार झारखंड होकर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने और उस पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए प्रारंभिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश के 7 रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इन्हीं 7 रूटों में वाराणसी हावड़ा का रूट भी प्रस्तावित है। बता दें कि पटना के साथ बक्सर, आरा, बिहार शरीफ और नवादा को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव दूसरे फेज में आने की उम्मीद जताई गई है। जिस रूट पर प्रस्ताव तैयार हुआ है उसमें सासाराम, गया, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद के रास्ते हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी, जिस पर सिर्फ बुलेट ट्रेन चलेगी। इस रूट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा भी हुई है। यही वह कारण है कि गया जंक्शन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित नए ट्रैक में पटना का नाम नहीं है। ऐसे में राजधानी पटना के लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बुलेट ट्रेन को लेकर एक और प्रस्ताव तैयार है। इस प्रस्ताव पर अगर रूट तैयार हो गया तो बिहार में बक्सर, आरा, पटना, बिहार शरीफ और नवादा से होकर यह ट्रेन जो है, यानी कि बुलेट ट्रेन गुजरेगी। वहीं झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से यह रूट जो है प्रस्तावित होगा। बिहार में जिस रूट के लिए सर्वे किया जा रहा है उसमें बक्सर, आरा, पटना, बिहार शरीफ और नवादा में स्टेशन बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि गया के बाद दूसरे फेज में पटना होकर बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन को भगवान बुद्ध और विष्णु की नगरी गया से इसको जोड़ा जाए। यही कारण है कि जिसके लेकर गया के इस रूट को जो है इस कॉरिडोर में जोड़ा गया है। बता दें कि इसी कड़ी में गया रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में शामिल किया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जिन 7 कॉरिडोर की बात कही गई है उसमें से जिन कॉरिडोरों का नाम है उसमें दिल्ली वाराणसी पहला कॉरिडोर, मुंबई बेंगलुरु मैसूर ये दूसरी कॉरिडोर होगी, वाराणसी हावड़ा यह तीसरी, और दिल्ली अमृतसर के लिए सर्वेक्षण का काम जो है वह किया जा रहा है और इसके जो है रिपोर्ट भी तैयार कर लिए गए हैं। बुलेट ट्रेन को लेकर सर्वे का कार्य भी जारी है। इसमें जमीन की उपलब्धता, प्रस्तावित होने वाले गांव की, लाभान्वित होने वाले लोगों को चिन्हित करने के साथ साथ बिहार झारखंड के इलाके में सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से कहने की बिहार में जो पहले कही जा रही थी कि राजधानी पटना से होकर वाराणसी हावड़ा की जो रूट है हावड़ा बुलेट ट्रेन को लेकर, उसका जो है रोड मैप तैयार हो गया है। लेकिन अब जो है अश्विनी वैष्णव यानी कि जो देश के रेल मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर राज्यसभा में अपने एक सवाल के जवाब में कहा कि इसका जो कॉरिडोर का जो रूट होगा वो सासाराम भाया गया होगा, न कि पटना। तो ऐसे में पटना के लोगों को ये हताश होने की भी ज़रूरत नहीं है कि यह कॉरिडोर जो है पटना से होकर नहीं गुजर रही है, क्योंकि एक दूसरा प्रस्तावित भी कॉरिडोर है जिसमें कि पटना, बक्सर, बिहार शरीफ इस रूट को भी जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में अब ये अच्छी खबर यही है कि बुलेट ट्रेन जो है पटना में नहीं बल्कि सासाराम और जो है गया के बीच के कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।